हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा अगला चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? जब स्टूडेंट हम हमारा पैसा किसी को देंगे, उधार देंगे, कोई हमसे पैसा बोरो करेगा तो हम उससे कुछ ना कुछ पैसा चार्ज करेंगे, वो हमारा पैसा यूज करने के लिए। तो हम उससे पैसा चार्ज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ब्याज, हिंदी में अगर मैं बताऊँ स्टूडेंट ब्याज, ओके इंटरेस्ट। तो इस चैप्टर में हमारे पास ये बातें मेन मेन हमें पता होनी चाहिए। पी पी एक तो होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हम डिनोट करेंगे पी से। देन रेट, रेट को मैं डिनोट करूंगा स्टूडेंट आर से। देन टाइम, टाइम को डिनोट करूंगा मैं टी से। और फिर सिंपल इंटरेस्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे सिंपल फॉर्म में एस आई। ए होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? जब हम प्रिंसिपल देते हैं, उदाहरण में जो पैसा दिया उस पे साथ में जो वापिस रिटर्न मिलता है, मान लो सपोज मैंने 100 रुपये ब्याज उधार दिए और वापस मेरे को 10 रुपये ब्याज के साथ मेरे को अगले पर्सन ने मेरे को वापस कर दिया 110। तो जो 110 है वो हमारे लिए क्या हुआ? अमाउंट हुआ। सिंपली अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, तो इस तरीके से प्रिंसिपल जो भी है उसमें इंटू रेट करेंगे, रेट पर, रेट परसेंटेज पर एनम दिया होगा, टाइम के ऊपर इंटू 100 करेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। इस फॉर्मूले में हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिस्कस किया है। इसी फॉर्मूले से मैं क्या कर सकता हूँ? प्रिंसिपल का फॉर्मूला बना सकता हूँ, रेट का और टाइम का, तीनों का। देखो अगर मेरे को प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो मैं प्रिंसिपल को एक साइड रखूंगा और रेट और टाइम को दूसरी साइड लेके जाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट 100 यहाँ पे बचे क्या हो रहा है, मैं डिवाइड और लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई पी इंटू आर इंटू टी। नेक्स्ट स्टेप में अगर मेरे को पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं आर और टी को लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा। तो यहाँ पे राइट साइड में मल्टीप्लाई और रखें तो लेफ्ट साइड में जाके दोनों आर और टी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रिंसिपल आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके से अब ये इक्वेशन बन जाती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास। इसी तरीके से इसी इक्वेशन से देखो, अगर मेरे को रेट का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एस आई मल्टीप्लाई अपॉन 100। अगर रेट फाइंड आउट करना है तो मैं प्रिंसिपल और टाइम को लेफ्ट साइड लेके आऊंगा, और लेफ्ट साइड आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि राइट साइड में वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो ये हमारा क्या बचेगा? रेट का फॉर्मूला बचेगा। इसी तरीके से अगर मेरे को टाइम फाइंड आउट करना है तो इधर तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में एस आई सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 तो है ही हमारे पास। फिर मैं प्रिंसिपल और रेट को राइट साइड ले, राइट से लेफ्ट लेके आऊंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा मुझे प्रिंसिपल इंटू रेट। तो इसी एक फॉर्मूले से हम क्या है, सभी के सभी फॉर्मूले याद कर सकते हैं। ऐसा है नहीं है कि हम हर बार हमें सारे फॉर्मूले अलग ही याद करने पड़ेंगे। तो एक फॉर्मूला हमने याद कर लिया सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, या सिंपल आप याद रखोगे कैसे रखोगे पी आर टी अपॉन 100, और उससे सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। एस आई इंटू 100 इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, या ये याद रख लो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसपे सोल्व करते हैं, फिर हम सीखते हैं कुछ क्वेश्चन। से क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज 1000, रेट इज 20% पर एनम और टाइम इज 4 ईयर। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स। हमारा क्या क्या गिवन है? देखो प्रिंसिपल गिवन है 1000, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता ही होगा। अभी हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो अप्लाई कर देंगे हम सिंपल। प्रिंसिपल कितना है हमारा स्टूडेंट? 1000, और रेट है 20% पर एनम और टाइम है 4%, और हमारा डिवाइड करेंगे हम 100 से। तो हम जब मैं कैंसिल सॉल्व करूंगा 20 20 कैंसिल आउट होगा। अब मैं इनको ऊपर क्या नीचे 1 बचा, तो न्यूमरेटर में बचता है 10 इंटू 20 इंटू 4। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 4 × 2 8 और 2 × 0 800। तो आंसर इज 800। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया उसे? 800। अगर इसी क्वेश्चन में मेरे को अमाउंट पूछ ले एग्जामिनर, तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल जो हमने पैसा उधार दिया है प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा ब्याज बना। प्रिंसिपल हमारा कितना स्टूडेंट? 1000 प्लस, और हमारा इंटरेस्ट कितना है? 800। तो हमारा अमाउंट बन जाएगा उसे 1800 आंसर। इस तरीके से हम अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फाइंड द प्रिंसिपल, इस बार इसने प्रिंसिपल पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट गिवन था 36, रेट गिवन था 3% पर एनम और टाइम गिवन है स्टूडेंट 3 ईयर। तो अगर मेरे को प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो आप देखो इसी, अगर अलग अलग फॉर्मूले ऐड है तो ये फॉर्मूला तो पता है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बचे। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल, तो मैं रेट और टाइम को लेफ्ट साइड लेके आऊंगा, लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो वो डिवाइड हो जाएंगे दोनों। ठीक है, रेट इंटू टाइम इजिकल टू पी। अब मैं देखो वैल्यू पुट कर दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 36 इंटू 100, और रेट कितना है
रेट है 3%, तो टाइम है 3 ईयर्स। अब मैं कैंसिल आउट कर लूँ, 36 को 3 से कैंसिल आउट किया, 3 बन जाएगा 3 2 6, अगेन 12 को 3 से कैंसिल आउट किया, 3 4 12, 4 × 100 400। तो हमारा आंसर कितना आ गया प्रिंसिपल, दैट इज 400। तो हमारा प्रिंसिपल हो जाता है स्टूडेंट 400। अगर इसी क्वेश्चन में हमें हमें अमाउंट फाइंड आउट करना हो, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट उसमें ऐड कर देंगे जो कि ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में 36। तो प्रिंसिपल है हमारा 400 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 36 है, तो 400 प्लस 36, 436 आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करें। सर्विस अगर ये मेन फॉर्मूला आपने याद कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, तो सारे के सारे आप फॉर्मूले, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस बस सकते कि आपको क्या है, लेफ्ट राइट मूव करना आना चाहिए, आप लेफ्ट राइट पता होना चाहिए। लेफ्ट में कोई मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट से राइट लेके जाओगे, या राइट से लेफ्ट को मल्टीप्लाई तो वो डिवाइड होगा, डिवाइड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बचे, और प्लस की वैल्यू तो माइनस की वैल्यू रहती है, माइनस की वैल्यू होती है तो प्लस की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, थैंक यू, इसी वीडियो में चाहिए।